मैं दिस इज डॉक्टर दिव्यानी योगी पीएमसी हिंदी चैनल नारी बैक टू नेचर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अब देखिए अब सिचुएशन सिनारियो बदल रहा है कोविड वापिस जो पहले था वैसा ही दूसरा स्टेज और अब दूसरे नाम से लेके आ रहा है तो लोगों में बहुत सी हलचल पड़ गई है कि अगर हमारे घर पे कोविड पॉजिटिव आ गया तो क्या करे क्या ना करे फूड अन्न कौन सा खाए और उस टाइम हम क्या कर सकते हैं तो वो सिचुएशन अब बढ़ने लगी क्योंकि घर घर में कोविड के पेशेंट बढ़ने लगे हुए तो मैं एक ही आपको बताऊंगी कि देखिए कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन हमें चट्टान की तरह रहना है हम अगर दिल से दिमाग से और मन से स्ट्रोंग होंगे तो ऐसे तो बहुत से चट्टान आपके तरफ ऐसे तो बहुत से बड़े-बड़े रॉक्स अलग अलग नाम से आपकी तरफ आएंगे लेकिन उसका सामना आपको करना है वो सामना आप कैसे करोगे बूस्ट योर इम्यून अब बूस्ट और इम्यून कैसे करोगे क्या सिर्फ अन्न से हमारा इम्यूनिटी बढ़ सकती है क्या दूसरा कोई मार्ग है कि जिससे हमारा इम्यून पावर जो हम बोलते हैं ना सोल्जर को हम आगे बढ़ाए अगर मान लो लश्कर दुश्मन सामने आ चुका है लेकिन अगर आपने सोल्जर को रेडी नहीं रखा हुआ है रोज तो क्या होगा तो वही सिचुएशन आज है कि हमारे जो अंदर सोल्जर्स है सारे ऑर्गन उसमें सोल्जर्स जो हमारे गले टी सेल्स में या फिर हमारे लंग्स में या फिर हमारे सभी लिम साइज में है तो वो सारे जो सोल्जर्स है उनको हमें हमेशा ताजा रखना है अब अगर आपके सोल्जर्स अगर आपके जो रखेवाल करने वाले हैं, वॉचमैन है गार्ड्स है, है वो नहीं प्रॉपर रहेंगे तो ऐसे आज कोरोना आया है कल दूसरा कोई नाम लेके आएगा सो कोई दूसरा लेके आएगा तो ऐसे चट्टान आपके सामने हर वक्त बदलते रहेंगे आते हैं कोई बात नहीं लेकिन उसका हमें सामना करना पड़ेगा तो कैसे करोगे आप सामना एक है पहला ही ध्यान रखना है अन्न ही पर ब्रह्म आप जैसा अन्न को हर वक्त डालोगे वैसा आपका पावर बढ़ता रहेगा इमिजिएटली अगर आप बोलोगे कि मुझे पॉजिटिव हो गया है या फिर मेरे घर पे ये प्रॉब्लम्स हो गया ऐसा तो क्या इंस्टेंट हमें रिजल्ट मिलेगा नहीं तो अब समय आ गया है कि आपको पहले से ही प्रिकॉशन रखना है आई एम नॉट से डर के रहना है प्रिकॉशन का मतलब है जो आप अन्न जो भी आया वो खाते थे जो मन में आया वो खाते थे वो अब मत करिए थोड़ा सा सेटल, न्यूट्रिशन से भरपूर वाला जो अन्न है वो हमारे किचन के अंदर सब कुछ दिया हुआ है जो जो का बार बार आप लेते हो, प्लास्टिक कंटेनर्स में प्लास्टिक बैग्स में जो फूड मिलता है या अंदर जो भरा होता है वो आप बार बार लेते हो तो उससे क्या होता है आपको ना तो कोई पावर मिलता है ना कोई एनर्जी मिलती है कुछ भी नहीं मिलता है सिर्फ पल भर के लिए खुशी मिलती है आपको आनंद मिलता है लेकिन ये क्या तो बस आज के हम जो टॉपिक है कि फैमिली को अगर कोरोना वायरस हो गया है पॉजिटिव या, या अभी की सिचुएशन प्रमाण तो आप क्या खा सकते हो क्या प्रिवेंशन रख सकते हो उसकी हम डिटेल में बात करेंगे चलिए फिर पहले हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में सोल्जर्स कहाँ पे है तो वो सोल्जर्स को हमेशा आप एक्टिव रखिए क्योंकि जैसे ही आप घर पे तो नहीं रहोगे अब आप बाहर जा रहे तो वो सोल्जर्स को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है एंड व्हाट इज अवर सोल्जर्स वेर इज इज लोकेटेड वो कहाँ है तो टी सेल में है और फर्स्ट हमारा है टॉन्सिल वो हमारा पहला सोल्जर है जैसे ही आप नाक से सांस भरते हो मुंह से कुछ डालते हो तो टॉन्सिल जो है वो आपके में होता है जैसे वो ऐसे लटकता है वो तो वो में जैसे ही आप कहीं पे जाते हो तो वी जाती द्रव्य आपके शरीर में एंटर करता है यानी कि कोई फॉरिन मटेरियल्स आपके शरीर में एंटर करता है इमीजिएटली वो सोल्जर एक्टिव हो जाता है इधर आपको कोल्ड या कप या थोड़ा सा फीवर आपको बताएगा या बॉडी एक बताएगा या आपको लगेगा मुझे इच्छा कुछ नहीं हो रही है मेरा बदन दुख रहा है मेरे मसल्स पेन कर रहे हैं मुझे बोन पे इफेक्ट हो रही है या मुझे स्लिपी जैसा लग रहा है राइट या खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है मुझे वॉमिटिंग हो रहा है नौशिया हो रहा है और मैं जो खा रहा हूं या खा रही हूं वो अन्न मुझे पचता नहीं है क्योंकि जब वही हमारा जो सोल्जर है वो स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण क्या हो जाता है विदाउट परमिशन कोई भी फॉरेन मटेरियल्स आपके शरीर के अंदर जाता है समझ लीजिए पहले जब कोई फॉरेन मटेरियल जैसे ही जाता है अगर आपका सोल्जर एक्टिव है तो वो वहां से ही उसको रोक देने को बोलेगा कि नहीं जाना है तो ये जो भी वी जाति द्रव्य जो होते हैं गंदगी होती है वो आपके तीन दिन तक आपके शरीर में कहां तक थ्रोट तक रहती है तो वो एक बात समझ जाना अगर से लेके थ्रोट तक आपको लगता है कि मुझे कुछ बलगम जैसा खांसी जुकाम या फिर आपको बार बार लग रहा नोज हो रहा है एवरी डे ने अः के आप समझ लो सीजन चेंज हो गई आपको लगा तो ठीक बात है लेकिन लास्ट सडनली कहीं दिनों से मुझे ये दिख रहा है मुझे बॉडी में एक लग रहा है मुझे थोड़ा सा शरीर में गर्माहट जैसा कहीं कूलनेस जैसा लग रहा है राइट तो समझ जाना है कि तीन दिन मुझे मेरे पास जो परमात्मा ने शक्ति दी हुई है वो इम्यून पावर मेरे पास है तो पहला ही स्टेप आप लोगों को करना है कि टोटली रेस्ट तीन दिन तक तीन दिन तक हमारे यहां तक हमारे होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो आगे की ओर ट्रैवलिंग करना शुरू कर देता है अगर आप तीन दिन तक उसको प्रिवेंशन में रखोगे उसके सामने वॉच करोगे तो वो बाहर निकल जाएगा और डर की कोई बात नहीं है देखिए अभी का जो सिनेरियो है आप देख सकते हो हॉस्पिटल्स में कई कई जगह पे आ, दूसरे प्रॉब्लम्स के कारण भी कोरोना का कंबाइन हो रहा है चिकनगुनिया बहुत बढ़ने लगा है कैंसर के पेशेंट बढ़ने हैं लगे हैं डायबिटीज है बीपीज है कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट से बहुत से बीमारी वाले उसके साथ ये कंबाइन हो जाता है अब जगह आपके पास नहीं है राइट अभी हॉस्पिटल्स में और कहाँ आप जाओगे और हॉस्पिटल में जाने के बाद समझ लीजिए ब्रीदिंग का प्रॉब्लम तो उसके लिए आप क्या ढूंढते हो ऑक्सीजन ढूंढने भागते हो वेंटिलेटर पे जाने की समय आ जाती है लेकिन अब देखिए ईश्वर ने आपका जन्म होता है ना जैसे वेन यू बॉर्न यू गेट द टू ऑक्सीजन वेंटिलेटर आपके अंदर ऑक्सीजन पाइप दोनों आपके पास है ऑक्सीजन की बॉटल्स दो भगवान ने आपको फ्री में दी हुई है लेकिन हमें पता ही नहीं है वो कौन सी बॉटल है ऑक्सीजन हमारे पास है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते और ये जो ऑक्सीजन की फ्री ऑफ चार्ज में जो ईश्वर ने हमें दिए वो है आपके दो नोस्ट्रिल तो जैसे ही आप नाक से सांस का समन्वय आपका अच्छा हो रहा है तो समझ जाइए आपको कोई टेंशन की जरूरत लेकिन जैसे ही मैं ब्रीद में मेरी तकलीफ हो रही है आई डू द इनहेल एंड एक्सेल पर मुझे जोर लगाना पड़ता है मुझे थकावट लगती है मैं एक नाक चालू है दूसरा नहीं चालू है तो हमें ईश्वर ने मुफ्त का दिया है अभी हम भागा भागी करते हैं कहीं से मुझे ऑक्सीजन का बॉटल मिल जाए कहीं से मुझे ये मिल जाए ईश्वर ने आपको खुद को दिया हुआ है वेन यू डू द ध्याना तो पहला ही टिप है वेन यू डू द ध्याना जस्ट कॉन्सेंट्रेशन यूर द ऑक्सीजन बॉटल पर कॉन्सेंट्रेशन कीजिए क्योंकि ध्यान से मन पतंजलि योग सूत्र में बोला है योगे वाचा मलम ऋषि तो योगे चित्त चित को पहले ठीक कीजिए चित्त का मतलब है मन हाँ तो मन को कैसे आप कंट्रोल करोगे द ध्यान ध्रूद प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप कैसे करते हो चित्त जो है ना बार बार भागता रहता है उसको आप कंट्रोल करोगे तो फर्स्ट कंट्रोल योर माइंड पहला ही है जैसे ही आपका ब्रेन आपका माइंड आपका सोल आपकी बॉडी कनेक्ट हारमोनी में आ जाती है देन यू डोंट नीड टू वरीड अबाउट कोई भी चट्टान आपके सामने आए बुलंद रहेंगे हम राइट तो हम इस पे हम बात करते हैं कि हमारे पास दो नोस्ट्रिल ऑक्सीजन सिलेंडर दिए उसका इस्तेमाल कीजिए जो बीत गया उसे भूल जाइए लेकिन आप डीप ब्रीथ पहले करने की कोशिश कीजिए और देखिए कितने तक मैं ब्रीथ कर सकता हूं या कर सकती हूं नॉट अ शॉर्ट ब्रेथ राइट लॉन्ग ब्रेथ आपको पता होना चाहिए कितने सेकंड तक हम ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं कितने सेकंड तक हम ब्रेथ को ले सकते हैं और ज्यादा लेते हो या ज्यादा छोड़ते हो नॉर्मल ब्रीदिंग जब आप करते हो उस पर आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है तो पहला ही है यूज दिस वन ईश्वर ने जो पहला ही हमें दिया उस पर आप ध्यान लगाइए अब मैं बात कर रही थी कि तीन दिन तक हमारा ये और ये पार्ट ब्लॉक हो जाता है तो ये तीनों पे आपको ध्यान लगाना है कि टोटली जब रेस्ट करते हो आपका माइंड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है जब ध्यान करते हो तो पता चल जाता है यहाँ पे मेरा ब्लॉक हो गया है अब मुझे दिखता है बिकॉज विशुद्ध चक्र राइट वी हैव अ सेवन चक्रास इन अवर बॉडी और ऐसे तो काफी सारे बट द मेजर चक्रास राइट तो पता चल जाता है मुझे विशुद्ध चक्रा मेरा अनाहत चक्र तक तो न जाए मेरा यहीं पे मैं स्टॉप कर दूं तो उसके लिए आपको खास पहला ही है ध्यान करना है आपको और ध्यान के बाद अब जब मन आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो ऐसा क्या खाए तो देखिए जैसे मैंने बोला कि आपका टी सेल है दूसरे सेल जस कौन है? टी सेल सेल, लिम्फ, है, उनको वो कहाँ पे है टी सेल्स यहाँ पे होता है लिम्फोसाइज यहाँ पे होता है ये साइड होता है उसको बढ़ाइए उनको मोर एंड मोर पावर दीजिए तो कैसे दोगे एक है अन्न और दूसरा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये दो ही काम अभी करते हैं दूसरा कुछ भी नहीं करेगा तो ये दोनों पे फोकस दीजिए मैंने ध्यान से मन को चित्त यानी जो हमारे बार बार भटक जाता था जो अभी तक मैं भटका हुआ था उसको मैंने काबू में कर दिया अब तो मैं क्या खाऊं तो ध्यान लगाइए जब आपको ऐसा सिम्टम्स आता है रनी नोज हो रहा है कफ एंड कोल्ड हो रहा है सीजन इज ओके चेंज हो रहा है एनवायरमेंट चेंज हो रहा है इट्स ओके बट ध्यान लगाना है आप क्या करते हो आपकी वर्क प्लेस क्या है आप घर से काम करते हो आप बाहर से uh, ट्रैवलिंग वाला काम करते हो तो वो सारा आपको ध्यान में रखना है कि मैं जहां पे ट्रैवल कर वो एरिया कैसे पॉल्यूटेड है डस्ट बहुत है तो आपको प्रिकॉशन करना है तो प्रिकॉशन में क्या करोगे आप तो जैसे फर्स्ट नंबर जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो ध्यान लगाइए दोनों जो हमें भगवान ने ईश्वर ने जो दिए हुए सिलेंडर उसको हमें क्या करना है फिल्टर जो दिए हुए बाल यानी फिल्टर करके भेजता है एयर को राइट तो उसको हम क्या करेंगे आ, हम लगा देंगे ऑयल से ग्रीस कर देंगे तो जो भी गंदगी अंदर नहीं आएगी वो गंदगी यहीं पे ही रहेगी तो ग्रीस कैसे करोगे बंद कैसे करोगे तो उसके लिए है गाय के दो बूंदे जस्ट अप्लाई इन योर पिंकी फिंगर जस्ट रोटेट कीजिए या उसको पहले बंद कर लीजिए तो गाय के दो या नहीं हो तो आप दिगल के भी ले, लेकिन गाय के घी के बेस्ट रहते हैं तो पहला है गाय के घी लगाना है आपको और उससे बंद करना है नाउ द सेकेंड थिंग ध्यान लगाए हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ही आजकल क्योंकि बहुत फास्ट लाइफ चलने लगी है तो हम लोग जो सच में प्रकृति जो हमारे शरीर के अंदर है निसर्ग हमारे शरीर के अंदर है और एक निसर्ग है बाहर तो वो जो निसर्ग बाहर और अंदर दोनों का हारमनी नहीं है हमारी हम क्या करते हैं हम उठते हैं घर हमारा पैक होता है एसी चालू होता है हम बाहर जाते हैं स्टेप फॉरवर्ड करते हैं गाड़ी में एसी होता है बंद होता है तो प्रकृति से मिलेगी जब आप ऑफिस जाते हो पूरा बंद होता है और एसी होता है तो से जब तीनों टाइम वापिस आप घर पे आते हो अगेन एवरीथिंग इज क्लोज तो डू यू थिंक क्या हमारे सोल्जर्स स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे आपने कभी देखा है कि सोल्जर्स को एसी रूम में रखा गया हो सोल्जर्स को अरे कोई भागने की जरूरत नहीं है आपको हाँ बस यहाँ पे एक्सरसाइज करो बस ऐसा कुछ भी खा लो आज पकोड़े बनाते हैं आज हम लोग चलो चिप्स खाते ऐसा कभी सोल्जर्स को देखा है क्या तो आप अपने अंदर को सोल्जर को क्यों ऐसा खिलाते हो अगर हमारे सोल्जर्स स्ट्रांग होंगे तो मेरी ये रथ रूपी बॉडी है ना शरीर उसको डुबाएगा नहीं जैसे हमारे वहां पे बैठे सोल्जर्स स्ट्रांग है सभी तरह से माइंड से कंसंट्रेशन सभी से फोकस है उनका और सभी तरह से स्ट्रॉन्ग है इसीलिए हमें भारत पे कभी हमें ऐसा नहीं लगता हमें टेंशन नहीं लगता अब क्या होगा तो सेम है वो हमारी रक्षा करते हैं हमें रक्षा करनी है हमारे शरीर रूपी रथ की रक्षा करनी है तो जब आप बाहर जाते हो थोड़े समय अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए निसर्ग के पास जाना शुरू कीजिए मदर अर्थ के पास जाना शुरू कर दीजिए आई ऑलवेज टेलिंग वसुंधरा हुँ? वसुंधरा धरती माँ को कनेक्ट कीजिए निसर्ग जोड़ पौधे है उसके कनेक्ट में रहिए जैसे क्योंकि वो आपको क्या देता है ऑक्सीजन फ्री में देता है और हम ढूंढ रहे हैं बाजारों में और कभी कभी तो बाजार में काला बाजार भी हो जाता है वाय प्रकृति बहुत हमारे आसपास है तो थोड़े समय के लिए थोड़े समय के लिए जो आप गाड़ी चलाते हो पर इसको नीचे कीजिए आने दीजिए एयर को ब्रीज कीजिए राइट आने दीजिए कुल हवा कोई बात नहीं फिर बहुत लगे कि हाँ अभी बहुत ही गर्म हो गया है बहुत है। फिर थोड़ा सा इसी करना तो करिए बाकी कोई जरूरत नहीं है आपको सेम टू सेम जब आप ऑफिस में जाते हो तो थोड़ी खिड़की आप खोल दीजिए स्टार्टिंग में या फिर नहीं है टोटली पैक है दो घंटे के बाद उठिए और वॉक करके बाहर चले जाइए और डीप ब्रीथ और लीजिए तो इस तरह से आपको क्या करना है ब्रीद करना है तो प्रकृति माँ के पास आप चले जाइए तो जिससे क्या होगा आपको मैक्सिमम आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और उसके बाद अब आता है हम क्या खाए क्या ना खाए तो देखिए आप अभी कुछ भी नहीं है सब कुछ खा सकते हो लेकिन मान लो प्रिवेंशन इज बेटर देन नथिंग राइट प्रिवेंशन करना शुरू कर दीजिए हमारा टॉपिक में कोरोना और कोरोना पॉजिटिव वाले दोनों का है लेकिन आई सपोर्ट के पहले खुद स्ट्रांग बनिए तो पॉजिटिव वाला ऑटोमेटिक बन जाएगा तो अगर मैं घर पे हेल्दी फूड रखूंगी तो मेरे परिवार में पॉजिटिव होगा फिर भी वो आके चला जाएगा अगर हो भी गया तो दे आर यूज टू समझ जाइए पॉइंट वो है क्या पॉजिटिव को खाना चाहिए क्या इम्यून्स वाल? नहीं ऐसे इम्यून्स नहीं बढ़ता है अचानक पॉजिटिव वाले अचानक से अपनी स्टाइल नहीं बदल सकते वो ध्यान रखना क्योंकि उनका माइंड सेट नहीं होता है बहुत से लोग like yeah. do like. है सुपर फूड है सुपर पावरफुल फूड है तो पहले से ही सिस्टम डालिए घर पे आपका जो अन्न बनता है आपके घर पे थोड़ा सा लिक्विड जूस सलाड्स राइट फिर फ्रूट्स का इंटेक और दालों का इंटेक इस तरह से घर का पहले माहौल बनाइए नॉट द आज पिज्जा ही बना वीकेंड में फिर आज बर्गर बन लिया आज पकोड़े बन गए आज चिप्स खा लिया आज बर, आ, मैं तो नहीं जाती हूँ कहीं बाहर ना ही मैं खाती हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है लेकिन जो मैंने फिर आ, आ, पैक, पैक, आ, पेपर पे आते हैं कि आ, क्या टेढ़ा मेड़ा वॉट लाइक दस राइट कोई भी एडवर्टाइज करता है और मंचिंग होम करता तो वो सब कुछ क्या है वो गंदगी हम अपने शरीर में डालते हैं। अब आप सोचिए कभी आपको मैंने अनाज आपके सामने रखा बाज रखा घेऊ रखा आपको लगेगा ओ वाह बाजरा ऐसा ही कच्चा में खा जाओ इच्छा होती है क्या कभी नहीं लेकिन मैं अगर आपके सामने फ्रूट्स रख रही हूँ होमोग रख रही हूँ पाइनएप्पल रख रही हूँ मैंगो रख रही हूं तो आपके बाद मैंगो तो खाया नहीं है फिर भी अंदर आता मजा आ गया आंवला रख रही हूँ खाया नहीं है अंदर आ जाता है क्यों ऐसा क्यों आप समझ लीजिए आंवले का मुरब्बा है या मैंगो का पिकल्स में आपके सामने सिर्फ रखती हूँ क्या हो जाए मुंह में लाड़ आने लगती है राइट क्यों ऐसा क्यों होता है मैंने तो दिया ही नहीं क्योंकि जो लिविंग फूड्स है लिविंग फूड्स है उस पे हमें जाना है तो वो जो हम देख के खा सकते और मन में ही अभी से ही हो रहा है और वो जो पैकेट है या फिर हमें हम पता है कि मैं बारि कच्ची नहीं खा सकती हूँ मैं घे कच्चा नहीं खा सकती हूँ मैं ग्रास कच्चा नहीं ले सकती हूँ तो सेम टू सेम जिस पे से आपको हीलिंग पावर मिला है इट्स कॉल अ क्वांटम हीलिंग राइट आजकल क्वांटम फूड क्वांटम हीलिंग क्वांटम फिजिक्स बहुत आने लगा व क्वांटम हीलिंग फूड जब आपके सामने अन्न आता है ना जो भी अन्न है आपके सामने गॉड भगवान को सबको जिस जिसने ये अन्न में में बनाने गए उसको ग्रेटिट्यूड कीजिए और प्रे कीजिए और उसके बाद तो वो हील होता हुआ आपके पास आ जाएगा राइट तो वो और हीलिंग करता है लेकिन जैसे ही आपके पास अन्न आया आपने वाला वापस मुझे काड़ा दिया वापिस मुझे ये दे दिया तो क्या होगा अंदर तो गया ही नहीं उसके पहले नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगी तो बस वो आपको ध्यान लगाना है हील योर फूड और जो फूड लिविंग है ताजा दिखता है कि अभी उगा है अभी वो बंद हो जाएगा राइट हमेशा ऐसे पत्ते खुलते हैं और ये होता है तो वो लिविंग है ऐसे फूड को खाने की कोशिश कीजिए तो वो कौन से है क्या खा सकते हैं तो पहले है कि आपको एक बैलेंस बनाना है आपको रोज की आदत डालनी है ऐसा मत समझो इमीजिएटली मेरिकली कुछ हैपन हो जाए सडनली कोई आएगा और आपको ठीक कर देगा ऐसा मत सोचना तो अभी से शुरुआत कर दीजिए हेल्दी डाइट खाने की शुरुआत हाँ, कभी कभी ठीक है आई एम नॉट टेलिंग यू आपको कच्चा ही खाना है वंस इन अ इज फाइन महीने में एक बार पकोड़े बनाइए कोई बात नहीं महीने में पराठे खाइए कोई बात नहीं महीने में अगर लगा तो ब्रेड के आइटम खाई लिए कोई बात नहीं है लेकिन एवरीडे वो नहीं डालना है कि आज कुछ भी नहीं मजा नहीं आ रहा है चलो ये खा लिए नहीं ऐसा नहीं करना है जाओ पैकेट लेके आओ आप खुद बनाइए वी आर नारी और मैं तो सबको बोलती हूँ वी आर आयन Oh लोखंडी पुरुष जैसा था ना हम लोखंडी नारी है तो नारी को इतना ऐसा सब कुछ सब कुछ संभल के करना है क्योंकि हम ही शक्ति है अब शक्ति डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो अंदर और बाहर प्रॉब्लम होने वाला है तो हमें अपनी शक्ति पे भरोसा होना चाहिए राइट हमारे थॉट संकल्प से शक्ति बनती है ऊर्जा कहाँ से आती थॉट पावर से आती है उसको बकरार रखिए आप तो आपको क्या करना है पहले तो नॉर्मल फूड खाने की आदत डालनी है एक टाइम अन्न खाया तो दूसरी टाइम आपको क्या करना है खिचड़ी है दलिया है फिर आप दलिए की भी वैरायटी बनती है फिर आप उसमें बिरयानी खा सकते हो वॉटर बट मिक्स वेजिटेबल वाला ज्यादा खाना है फिर सूप ले लिया ठीक है तो इस तरह से आपको क्या करना है मेंटेन करना है खास हमारे शरीर में माइक्रोन्यूट्रिय होते हैं राइट काग फाइबर फैट ये जो सारा होता है एंड मिनरल्स राइट तो उसके अंदर जब ऐसी कोई सिनारियो आ जाती है तो आपके शरीर में इम्यून को बढ़ाने के लिए वन पर्सन इज अवेलेबल इट्स अ प्रोटीन पर्सन राइट तो प्रोटीन का इंटेक को पहले से ही ध्यान लगाइए अगर आप लास्ट में सडनली अरे प्रोटीन बढ़ाओ प्रोटीन बहुत से मेरे पास पेशेंट आते हैं और बहुत से लोग मैंने देखे हुए कि हॉस्पिटल से आते हैं या फिर अब क्या करें हम प्रोटीन किसी ने बोला प्रोटीन गप्पा गप्पा अब क्या प्रोटीन पचेगा आपको आप मुझे बताए एक बाउल आप खाओगे प्रोटीन का मूंग खाया या चना खाया स्प्राउटेड खाया फायदा बहुत है पचेगा नहीं तो कोई भी चीज सडनली मत कीजिए पहले उसको आदत डालिए अगर मैं आपको बोलूंगी कि ध्यान दो घंटे कीजिए आप सही में कर पाओगे नहीं लेकिन मैं हर रोज़ आपको एक छोटे बच्चे को बोली वैसा फिफ्टीन मिनट्स ट्वेंटी मिनट्स हाफ एन आवर देन आपको मजा आने लगेगा या मजा आ रहा है हाफ एन आवर में देन यू सिट वन आवर देन वन एंड हाफ आवर एंड देन इवेंचुअली यू गेट द रिजल्ट मिलेगा दो घंटे के लिए आप पीसफुल रहोगे लेकिन इमीजिएटली अगर अगर आप आपको बोलूंगी तो आपको क्या होगा नहीं, नहीं, अब मैं नहीं बैठ सकती सेम सेम टू अगर मैं बोलूंगी इतना कच्चा खाना है आपको सो, तीन सो ग्राम एक समझने की कोशिश कीजिए आप क्या खा पाओगे तीन सौ ग्राम कच्चा नहीं नहीं आप बोलोगे मुझे ना चबाने में ही होता है ऐसा है क्यों होता है आदत नहीं है आदत कीजिए अच्छी आदत कीजिए तो कैसी आदत करनी है यूजुअल लाइफ में आपको बीच बीच में टॉसिंग करना है कच्चा आहार रिप्लेस करके देना है बीच बीच में सूप को ऐड करना है बीच बीच में जूस को ऐड करना है बीच बीच में आपने फल को ऐड किया सीजनल फल को ऐड किया तो इस तरह से क्या होगा आपकी एक आदत बन जाएगी शरीर रूपी नैया को बढ़ाने के लिए तो ऐसा जब कुछ आ जाता है मान लो अब हम आते हैं मान लो अब आप पॉजिटिव हो घर पे पॉजिटिव आ गया पहला ही है नॉर्मल दिस इज नॉट गोइंग टू बी एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है ये ध्यान रखिए कोरोना पॉजिटिव किसको आता है लोग ऐसे छुए हाई इसको आया भागो भागो डोंट भागो भागो इट्स ओके दिस इज वेरी नॉर्मल ट्रीट लाइक अ नॉर्मल पर्सन वो कुछ छूत नहीं है कि हमको टच करेंगे और दूसरा टचिंग से कोरोना नहीं आता है ध्यान लगाइए लोगों को लगता है मैं उसको टच किया तो ये हो जाएगा मैं उसको ये नहीं आता कहां से है ये दो द्वार है हमारे वहां से आता है क्योंकि जब आप उसको इन करते हो जब आप उसको थाली देते हो या फिर आपने कुछ छू लिया और वही फिर आप पता नहीं आज क्या होने वाला है कहाँ पर गया हाथ कहाँ गया यहाँ पे और क्या करो आप ब्रीद इसीलिए होता है सिर्फ आप शेक करने से फिर हाथ को वॉश कर लो कुछ नहीं होने वाला है और अगर मेरा पावर मैं मे, मेरे अंदर का पावर अगर बड़ा है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूं तो भले ना मेरे सामने पॉजिटिव वाला आ जाए मुझे कुछ नहीं होने वाला इतना स्ट्रॉन्ग पावर आपका होना चाहिए बिकॉज प्रिकॉशन लिया है मैंने अंदर और बाहर तो कोई टेंशन नहीं तो पहले अगर मान लो घर पे किसी को आता है एब्सोलटली नॉर्मल बिहेव कीजिए राइट कुछ नहीं हुआ है स्टार्ट थ्री डेज तक आपको उसको ध्यान लगाइए सेवन डेज टेन डेज का प्लान होता है तो आपको ध्यान वो, वो बढ़ेगी वजन ज्यादा बढ़ने लगेगा सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होने लगा अब मुझे जल्दी चाहिए तो क्या करना है उसको लिक्विड में क्या देख सकते हो एक तो पचने में इजी हो अब लोग क्या करते सीधा प्रोटीन दे देते सीधी रोटी चपाती दे देते मत करो क्योंकि वो घर पे एक जगह पे ही बैठने वाला है ना वो वॉक कर सकता है न वो एक्सरसाइज कर सकता कुछ भी नहीं करने वाला है वो एक ही जगह पे है अब एक जगह पे आप सब कुछ खाने को दो क्या आप उठ सकोगे पहला आपको टेस्ट एंड स्मेल चली जाती है कुछ भी दो इच्छा नहीं हुआ मैम आपने कैसा फीका फीका बना है तो वो चला जाता है अब आप लोडेड देते होगा तो तीन दिन पहले तो आपको फ्रूट पे मैक्सिमम सिट्रस के फ्रूट ध्यान लगाइए अब सिट्रस में लोगों को लगता है हमें और हो जाएगा नहीं आपने जैसे नारंगी ली मोसंबी ली खिठी होती है ध्यान लगाइए खट्टी खट्टी मैं नहीं बोल रही हूँ उसका नारंगी जब आता है तो लगता है खट्टा नहीं नारंगी भी मिठी होती है मोसंबी भी मिठी होती है राइट फिर पाइन ना वो भी मीठा होता है वाटरमेलन फिर कोकोनट वाटर ये सब कुछ आपको इंटेक देना है एंड द बेस्ट वन इज द लेमन जिसके अंदर सिट्रस ज़्यादा है जिसके अंदर एंटी जाता है जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटी, एंटी, एंटी एवरीथिंग है वैसे पदार्थ हमारे सामने है तो गिव टू लिक्विड फूड ज्यादा दीजिए जैसे वो लिक्विड करते हैं ना तो हमारे जो ब्लड सेल्स है ध्यान लगाइए समझिए पहले फिर कोशिश कीजिए कि कैसा हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं हाँ वो कैसे हो जाए ब्लड कैसा होना चाहिए हमारा पतला तो ब्लड सेल को जो यहां से जाता है उसको स्ट्रेंथनिंग दीजिए आप हाँ क्योंकि ये अब आ, स्लो हो गया तो ब्लड सेल को स्ट्रेंथनिंग देंगे, आप लोग स्ट्रेंथनिंग देंगे क्या होगा इजीली साफ सफाई वो कर पाएगा लेकिन मैंने ब्लड सेल को ही स्ट्रेंथनिंग नहीं दी तो क्या होगा इसीलिए हमें क्या करना है जिंजर है लीमू है वाटरमेलन ऐसे फ्रूट्स है सिट्रस वाला है वो हमें उनको ज्यादा देना है शुगर कैन है राइट वाटर कोकोनट वाटर है विद नींबू डाल के दे दीजिए तो उसको बने तो क्या करना है लिक्विड पहले दिन देना है दूसरा फ्रूट्स देना है राइट right? तो इस तरह से उसको तीन दिन तक रखना है और प्रोसेस क्या करनी जब वो सुबह एक आता है काढ़ा हाँ, काढ़ा डिटॉक्स वाटर दूसरा आता है जूस एंड थर्ड वन आता है सूप आता है तो काढ़ा क्या करता है यानी कि काड़े में spices होती है, जो स्पाइसिस गंदगी भरी हुई है उसको निकालने में स्पाइसिस हमारी काम करती है तो so, हर रोज आपको स्पाइसिस यूज नहीं करनी है बट वेन यू थिंक आई फील कुरकुर कुरकुर हो रहा है आई फील <laughs> हो रहा है आई फील <laughs> हो रहा है तो समझ जाइए वो मेरे अटक रहा है तो तब हमें कौन चाहिए स्पाइसेस चाहिए तो स्पाइसेस में कौन है आपके पास तो आपको क्या करना है एक तो जिंजर हल्दी है अदरक हल्दी हल्दी आजकल मार्केट में मिल रही कच्ची हल्दी तो आप कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कीजिए मार्केट में जिंजर बहुत अच्छा मिल रहा है यूज द जिंजर राइट आंवला मार्केट में मिल रहा है यूज द आंवला फिर पेपर सिनेमन एक है जो मैं आपको लिस्ट में लिखना चाहूंगा कलौंजी ब्लैक जीरा उसे बोलते कलौंजी बोलते हैं राइट सीड्स भी कोई कोई बोलते कलौंजी इज अ बेस्ट रेमेडी फॉर द आपके म्यूकस क्योंकि अंदर अंदर आपका ये भी जम जाता है ये भी हो जाता है कलौंजी इज अ बेस्ट राइट तो आप इसका इस्तेमाल काढ़े में कीजिए तो आपने क्या करना है सुबह उसको काढ़ा दिया हुआ है कैसा काढ़ा देना है बहुत स्पाइसी वाला नहीं लोग क्या करते हैं न, ओ हल्दी के बेनिफिट ठोको हल्दी नहीं अगर आपने जितनी लिमिट के ऊपर हल्दी डाली आपको गैस एसिडिटी हो जाएगी एसिड करेगा वो राइट अगर आपने पेपर बहुत लिया हा? तो क्या होगा मूलाधार में किसी को बाबा सिर हो जाते हैं क्युं? क्यों क्योंकि इतना पेपर स्ट्रांग है क्लो स्ट्रांग है तो वो तो फाड़ेगा आपके इसको हाँ नव मसल जो हमें तो क्या चाहिए स्ट्रेंथनिंग करनी है फाड़ना नहीं है तो लिमिट करना है तो ये काढ़े में क्या क्या डालोगे आप जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जीरा डाला पलौजी डाला धनिया रॉ जो आता है ना धनिया पत्ता नहीं बड़ी धनिया डाला जिंजर डाला फिर आपने मैंने जैसे बोला क्यूमन सी डाला अजवाइन डाली क्लौ डालना है आपको राइट पेपर का थोड़ा सा पाउडर डालना है आपको हम्म ठीक है ये डालने के बाद गिलोय एक आती है गिलोय की स्टिक आती है गिलोय इज सुपर फूड तो गिलोई की तीन स्टिक्स लेनी है आपको छोटी हो तो तीन लेनी है कूट लेना है रात को और ऐसे वक्त क्या हो जाता है जब आप एक ही रूम में होते हो ना आपका डाइजेशन गट हेल्थ हिमेज हरड़ तो दो हरड़ भी डाल देनी उसके अंदर एक हरड़ एक के लिए तो हरड़ को रात को कूट लो गिलोय को कूटो हरड़ को कूटो और उसके अंदर फिर सुबह आप रात को ही सोख कर दो ये सारी आइटम रात को सोख कर लो फिर सुबह जब आप उबालते हो टू कप वाटर में ये सब कुछ डालना जब आप सुबह को उसको उबालते हो कप 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 में का वन कप, अब ये वन कप बनने के बाद गुड़ डाल दीजिए ऑर्गेनिक यानी काला वाला गुड़ सफेद वाला नहीं इस टाइम आपको काले वाले गुड़ की जरूरत है सफेद गुड़ डाल दीजिए थोड़ा सा मीठा बना दीजिए राइट और उसके बाद आपको क्या करें जैसे बन जाता है लास्ट में लींबू एक लींबू पूरा एक लींबू करके उस इंसान को देना है।, है जो सेल्स में गंदगी उसको निकालता है इम्यून को पावर करता है तो लींबू दे दीजिए तो एक लींबू सुबह दिया फिर दूसरा लींबू शाम दोपहर को दिया एंड तीसरा लींबू शाम को दिया तो तीन पूरे लींबू जाने चाहिए होल लींबू इतने बड़े होते हैं ना वो नींबू देने आपको ऐसे छोटे 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 वाले नहीं देने बड़े ऐसा ऐसा लगना चाहिए आपको राइट तो वो नींबू आपको देना है तो ये दे दिया आपने फिर जिंजर जिंजर को आप क्या कर दीजिए ग्रेट कर लीजिए और मेक अ जूस दो तीन ऐसे आप स्क्वीज करोगे ना जूस निकलेगा चार पांच बूंद भी निकले ना फिर भी चलेगा चार पांच बूंद या पांच एक बूंद निकले उसके अंदर हनी को मिक्स कर दीजिए ऐसे हनी को मिक्स के चाटन बना दीजिए और फिर वो चार्टन जैसे वो खाएगा ना ये सब कुछ फटाक से खुल जाएगा आपका क्योंकि जिंजर एंड हनी बोथ आर स्ट्रॉ तो क्या चार्टर बना के चाट लीजिए या फिर आप क्या कीजिए चमची से खा लीजिए अगर मान लो आपके पास जिंजर उस टाइम अवेलेबल नहीं है तो एक लिस्ट में लिख लीजिए यस्ती मदी पाउडर उसे जेठी मदी बोलते हैं यस्ती मदी पाउडर बोलते हैं दिस इज गुड फॉर द कफ कोल्ड वायरल एनी बॉडी एक हैपन पाउडर आपको हेल्प करता है तो क्या करना है पाउडर को लिया फिर आपने क्या किया और अच्छा बनाया मदी पाउडर बहुत काम करेगा जिंजर का रस दो डाल दीजिए यस्टी मदी पाउडर ये चार्टन मैं मेरे बच्चों को परिवारजनों को सबको रेकमेंड करती हूँ awesome पाउडर ले लिया एक चम्मच जितना हल्दी डाला फिर जिंजर पाउडर हो तो सोट की पाउडर हो तो वो डाल दीजिए नहीं तो अगर फ्रेश हो तो फ्रेश दो तीन ही बूंदे ज्यादा नहीं ज्यादा अच्छा वैसा मत समझना फिर पेपर डाला फिर सिनेमन डाला ठीक है इतनी आइटम डाली अब हनी डालिए उसके अंदर पानी नहीं हनी डालिए और मेक मस्त चाटर मैंने और दिन में तीन बार उसको दीजिए देखिए आपका कोई भी पावर वाला आया हो ना कोई भी थाक, थाक करने निकल जाएगा कोल्ड हो कफ हो कोई भी वायरस है सब कुछ आपको निकल जाएगा राइट तो वो आपको लेना है चाट लेकिन ध्यान रखना जब आप ये चाटन लेते हो ना खाते हो आपको उसके बाद पानी नहीं पीना है हाँ अगर आपको लगता है कि मुझे मुंह साफ करना थोड़ा सा एक एक ड्रॉप ले तो चलेगा लेकिन पानी उसके बाद गुड़ गुड़ करके नहीं पीना है वो ध्यान लगाइए तो ये तीन बार हो गया तो हो गया अब आता है कि एक है नश्य और एक है जलनेति देखो आपको दिखती है ये पॉट है जलनेति क्या करेगी कि आपको कहीं पे भी हमारे शरीर में कहीं पे भी कुछ भी गंदगी हो तो उसको मुझे निकालना है तो यहां से जाती है तो आपको क्या करना है वार्म वाटर विद नमक इसके अंदर एड करना है यहां से नाक से करना है और मुंह से सांस को और पानी यहां से निकालना है आपको बस ये आप करना शुरू कर दीजिए जैसे आप जलनीति का काम करते हो नश्य का काम करते हो ऑटोमेटिक क्या होगा पैसेज आपका क्लीन होने लगेगा गंदगी भरी हो वो निकलने लगेगी तो जल नीति कीजिए नश्य कीजिए और भाप लेना है जितना भाप लोगे आप ध्यान लगाइए तीन बार चार बार ओके एक तो जल नीति मैंने बोला एक भाप लेना बोला स्टीम दो तीन चार बार एक एक घंटे के बाद दो दो घंटे के बाद Take a steam. तो क्या होगा पूरा ये clean हो के, जहां वो है न, वो कचरे ना सारे निकले। तो भाप में क्या डालोगे अजवाइन डालिए अजवाइन इट्स वेरी स्ट्रॉन् जैसे आप अजवाइन कर एकदम यहां तक चला जाएगा आपका शुरू करके चला जाएगा तो हमारा सब कुछ क्लीन कहा क्या करना है अजवाइन करेगा एक बर्तन लिया दो टेबल स्पून अजवाइन डाल दीजिए डालिए और भाप लीजिए नॉर्मल ब्रीदिंग जैसे हम मेडिटेशन में बोलते हैं ना वेरी नॉर्मल ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ आंखें बंद करनी भाप ले लिया उसके बाद गरारा इज है हुँ? तो तीन बात है जलने तीन नश्य भाप और गरारा गरारा किसका करोगे आप मेथी का करोगे हु? मेथी का मेथी सीड जो अवेलेबल है एक ग्लास पानी लीजिए उसके अंदर मेथी डाल दीजिए और होल्ड हियर होल्ड हियर देखिए तीन दिन में आपका कैसा सॉल्यूशन मिल जाता है मान लो अब आगे गया ठीक है सात दिन आपके पास है सात दिन में आपको क्या करना है तो फर्स्ट ये रूटीन जो मैंने आपको बोला ये सब कुछ करना है भाप लेना ये करना अब आप खाने में क्या करोगे जैसे मैंने आपको बोला काढ़ा अब आपको टी पीने की इच्छा हो रही है चाय पीने की इच्छा हो रही है तो कोई बात नहीं चाय पीजिए क्या डालोगे चाय में अगर पीने की इच्छा हो तो ब्लैक टी सुप है ठीक है ब्लैक टी विद हनी एंड लेमन डाल के दी दीजिए वेरी सुपर बहुत अच्छा काम करेगी दूसरा है तुलसी पुदीना पेपर सिनेमन जिंजर ये सबको इकट्ठा कर लीजिए आप और उसके बाद उसके अंदर गुड़ डाल दीजिए और आप ये अड़ूसी के पान है उसको अंदर डाल दीजिए गिलोय के है उसको अंदर डाल दीजिए लींबू और ये दूध शुगर नहीं मिक्स करना है। ये जब सात दिन की जर्नी होती है ये जो दस दिन की जर्नी होती मिनिमाइज योर शुगर क्योंकि शुगर क्या करता है बलगम बढ़ाने में काम है शुगर क्या करता है गंदगी को और बढ़ाता है तो आपको बस ध्यान रखना है कि शुगर का इंटेक कम कर देना है तो आपको क्या करे टी हर्बल टी ले सकते हो ब्लैक टी ले सकते हो आप इस तरह से टी लीजिए अब नाश्ते में क्या कर सकते हो तो देखिए नाश्ते में पोहा बेस्ट है पहला ही है सोर्स पोहा राइट अगर उसको चाहिए तो आप उसको पोहा दे सकते हो अगर वो फ्रूट जूस पे रह सकते हो तो बेस्ट है हाँ ऑरेंज है वाटरमेलन है एप्पल है देन होमोग्रेनेट तो दे दीजिए पाइन एपल का जूस दे दीजिए तो बेस्ट है लेकिन उसको अगर चाहिए तो आप पोहा दे सकते हो उपमा दे सकते हो जो भी आप दो वेजिटेबल्स भरपूर डालिए पालक डालिए बीचूट डालिए कैरोट डालिए इतना सारा वेजिस और इतना उकमा होना चाहिए रवा इतना होना चाहिए रवा की इडली बनानी इतनी इडली में इतना सारा वेजिस डालिया मैंने स्पिनिच की इडली बना दी मैंने पालक का मैंने पालक की डोसे बना दिए मैंने इसके तो ऐसे वेराइटी करके आप इसको सकते दे सकते हो बट ऑयलिंग नहीं देन दूध नहीं शुगर नहीं ये दुश्मन है हमारे बूस्टर के लिए तो वो नहीं देना है और उसके बाद वापिस अगर ग्यारह बारह बजे अगर आपको ग्यारह बजे भूख लगती है अगेन टू सिटे फूड ऑरेंज दे दिया आपने होमोग्रेनेट दे दिया नारंगी दे या लेमन वाटर दे दिया राइट वो भी वो ले सकते हैं अब आता है कि आ, लंच में क्या खाए अब देखिए कार्ब्स को हमें कम करना है Right? राइट का मतलब है दाल चावल रोटी आ, उसे काब्स बोलते हैं तो क्या लोगे आप काब्स में तो आप खिचड़ी इज अ बेस्ट सोर्स है ध्यान रखाइए दाल चावल मिक्स किया और उसके अंदर थ्रो कीजिए आप भरपूर थ्रो कीजिए वेजिटेबल्स का सलाद खाइए काफी लोग बोलते हैं सलाद इतना ले दे इतने से क्या होने वाला है जितना कच्चा जाएगा वो आपके मार्ग को सॉल्व कर करेगा अब ध्यान रखिए सलाड ऐसा बनाइए कि अंदर नट्स भी चले जाए वॉलनट इज अ गुड सोर्स ब्रोकली का सलाड बना लीजिए मिक्स वेजिटेबल्स का सलाड लेकिन उसके अंदर क्या डाल दीजिए वॉलनट डाल दीजिए कलौंजी डाल दीजिए लींबू डाल दीजिए बनाइए तो इस तरह से आप क्या करोगे एग्जेक्टली exactly सलाड की प्लेट उसको पहले दोगे और उसके एक घंटे के बाद अगर भूख लगती है तो सूप दे दीजिए अब सूप में मैं आपको दो तीन सूप बता दू ब्रोकली सुपर ब्रोकली का सूप सुपर काम करता है दूसरा है एंड मिक्स सूप, सूप, तीसरा है है कैरोट का चौथा बीट्रूट पांचवा है ड्रम स्टिक ये पांच को आपको ध्यान लगाना है। ये आपको ऑल्टरनेट करते रहना है बीटरूट कैरोट टोमेटो ड्रम स्टिक ब्रोकली ये फायदा करता है तो आपने सुबह और शाम को भी सूख दिया ट्राई टू खिचड़ी ट्राई टू पच जाए ऐसी आइटम आप उसको दीजिए राइट दोपहर को दे दिया नाउ द शाम का टाइम अगेन उसको मंचिंग की इच्छा हो गया अरे मैंने तो सूप पी लिया हो गया खत्म मैंने सलाद खाया हो गया क्या करूं मैं अब तो अब आपको क्या करना है शाम को उसको मुरमुरे दे दिए खाने को थोड़ा सा फ्रूट्स अगेन फ्रूट्स या आप क्या कर सकते हो नारियल का पानी दे अब देखिए नारियल का पानी, पानी पांच बजे के बाद नहीं देना है अगर आप नारियल का पानी देते हो तो उसके अंदर नींबू नीचो के देना है उसको ठीक है या कोई जूस बना के आपने दे दिया या ग्रीन जूस दे दिया ऐसे जूस दे दीजिए या हर्बल टी दे दिया या अभी जो अपनी कच्ची हल्दी है उसकी आप टी सिनेमन टी बना के दे दीजिए ऐसे कोई टी बना और शाम का जब आता है डिनर uh, आता है तो आपने दोपहर को कच्चा खाता शाम को दलिया खा लिया या फिर आपके पास फाड़े पा, दले का ही भाई होता है कि जो आपको uh, खिचड़ी में आपने खा लिया ऐसे आप इन शॉर्ट में uh, खिचड़ी आज खा लिया दलिया खा लिया मिक्स वेजिटेबल का पुलाव खा लिया है बट तो मेन ही वेजिटेबल्स ज्यादा डालिए मैक्सिमम पालक का मैंने बना लिया तो पालक इज अ बेस्ट ब्रोकली इज अ बेस्ट तो ये सब कुछ को एड ऑन कर लीजिए और अगेन ये सब कुछ तो हमने खाने की बात कर ली राइट अब क्या करना है कि रात को जब वो सोता है तो आपको क्या करना है रात को उसको सोते समय आपको हल्दी वाला पानी आपको देना है उसको पीने के लिए दूध भी हल्दी वाला दे सकते है बट आई रिकमेंड दूध अवॉइड कीजिए ये सात दिन ये दस दिन आपको पानी के साथ दूध पचने में हैवी होता है दूध पीने से एसिडिटी हो जाती है और इस टाइम हमें गैस एसिडिटी बलगम बढ़ाने में काम करता है तो अवॉइड द मिल्क अवॉइड द मिल्क प्रोडक्ट नथिंग स्वीट खाने की जाए तो खजूर है वॉलनट है रेजन है ब्लैक रेजन है गुड तो वो आप दे सकते हो उसको तो इस तरह से वो क्या होगा वो उसको इम्यून हमारे शरीर में आकाश तत्व बढ़ेगा जैसे आकाश तत्व बढ़ेगा उसका पावर बढ़ने लगेगा राइट तो ये थी खाने की बात अब हम एक्सरसाइज कर रहे तो ब्रीदिंग पैटर्न हमारी चेंज करनी तो जब आपके लंग्स में जब कैपेसिटी क्यों नहीं क्योंकि हमारा ब्रीद ही कैसा होता है शेलो होता है तो क्या करना है लंबी गहरी सांस लेके होल्ड करना है अब आप ही डॉक्टर बन सकते हो जाने की कोई जरूरत नहीं है डरने की कोई जरूरत नहीं आप खुद डॉक्टर बने कैसे मैंने सांस को भरा होल्ड माई ब्रेथ हियर ठीक है होल्ड कीजिए एंड काउंट कि आज कितना हुआ ओ छ तक ही होल्ड किया फिर निकल गई कोई बात नहीं वापिस में करती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओ वाओ एट तक गई लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर आप पॉजिटिव हो गए तो आपको लंग्स तक गया है कि नहीं या मेरा लंग्स वीक हो गया वो कैसे पता है जैसे आप डिप ब्रीथ करोगे ना <laughs> ऐसा होने लगे तो समझ जाना है कि आपका लंग्स के अंदर भी घुस गया है लेकिन अगर आप सांस ले रहे होल्ड ब्रेथ कर सकती हूं फिफ्टीन सेकेंड ट्वेंटी सेकेंड देन डोंट वरी अबाउट इट डोंट वरी अबाउट इट कुछ नहीं हुआ है आपको राइट right? होल्ड योर ब्रेथ की प्रैक्टिस कीजिए अभी से होल्ड योर ब्रेथ एंड काउंट कोशिश कीजिए मुझे 25 फाइव सेकंड तक पहुंच कीजिए मुझे 30 सेकंड तक पहुंच मेरे जो स्टूडेंट्स है दे गो वन मिनट होल्ड अवर ब्रेथ वन मिनट तक वो लोग करते हैं uh, मूल बंध करते हैं उड़ियान बंध करते हैं जालंधर बंध करते हैं वो वन मिनट तक वो लोग करते हैं होल्ड ब्रेथ जस्ट सिंपल होल्ड योर ब्रेथ बस ये एक पहली ही आपकी है एक्सरसाइज फिर हाथ का ऊपर नीचे कर लीजिए थोड़ा सा एक्सरसाइज थोड़े से कर बहुत जोर से नहीं कर और क्लैपिंग क्लैपिंग इज द बेस्ट अपने पूरे हाथ में ब्रह्मांड है ऊर्जा अपने क्लैप कीजिए सन थेरेपी ले लीजिए और स्माइल बिग स्माइल के साथ आपको क्या करना है जो भी प्रॉब्लम है उसको वेलकम कर लीजिए डरने की जरूरत नहीं है फिर पीएमसी हिंदी को मैं बोलूंगी कि आ, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछे तो हम उसका सॉल्यूशन देंगे थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के के लिए कोविड दौर में आपके द्वारा लोगों के लिए मददगार साबित होंगी हमारे दर्शकों का आपसे सवाल था कि एलोवेरा की क्वालिटी को कैसे जज किया जाए अब देखिए आप एलोवेरा कौन सा लेते हो आ, अपने घर का प्लांट हो तो बेस्ट रहता है लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारा आ गया है तो आप ऐसे नहीं एक ही है देखिए अगर आपने डाउट किया ना एक एक एक, एक आ, लाइन है व्हेन यू डाउट इट डोंट इट डोंट टेक इट मन से क्योंकि देखो आपको पता नहीं है मैं इवन तो आपको बता भी दूंगी ये एलोवेरा अच्छा है ये ब्रांड का अच्छा है तो वो कोई मतलब नहीं है आप जहां पे रहते हो आपके वहां पे कौन सा ब्रांड चल रहा है आपका घर के है हाँ या आपका कौन सा उस पर लगाइए और विश्वास करके लगा दीजिए ट्रस्ट कीजिए वो एलोवेरा भले आपको पता मत बेकार है लेकिन मैंने क्या बोला क्वांटम क्वांटम हीलिंग वो जो एलोवेरा ना उसपे आप पॉजिटिव एनर्जी डाल दीजिए इवन तो गंदा भी होगा ना वो पॉजिटिव देगा तो उसके पीछे मत भागिए हनी कौन सा अच्छा है एलोवेरा कौन सा है जस्ट ट्रस्ट कीजिए अगर क्योंकि हम नहीं बोल सकते आपको कि ये कंपनी का अच्छा है या वो अगर मैं कंपनी बोलू या अगर मैं बोलू हाँ ऐसे चेक करो तो आप उसपे एलोवेरा तो लिया तो देखो तो चेक करो तो उसमें कितना टाइम क्यों वेस्ट करने का जस्ट ट्रस्ट कीजिए मेरे लिए आया हुआ है ना ईश्वर ने दिया हुआ है ना नेचर ने दिया अच्छा ही है राइट तो उसके लिए मैं आपको ऐसा नहीं बता सकती कि आपको यही टेस्ट करना है और ये करना मन से ट्रस्ट कीजिए आ, रीता जायसवाल जी का सवाल है कि वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल कर सकती हैं दूध दूध हल्दी दूद का यस yes, कर सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए कि आ, हल्दी दूध इज जब आप दूध बनाते हो अब अगेन सब लोग बना लेकिन रेसिपी ध्यान लगाइए एक कप दूध लिया गाय का एक कप पानी लिया ध्यान लगाइए एक कप गाय का दूध एक कप नॉर्मल पानी दोनों को मिक्स कर दीजिए कितना हुआ दो कप हुए अब इतना उबालिए एक कप हो जाए वन कप और उसके अंदर हल्दी डालिए और सिनेमन डालिए ओके देन टेक दिस वन तो तो हो जाएगा तो ये रेसिपी याद रखना डायरेक्टली दूध नहीं करना इसके अलावा किसी के भी सवाल है वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं फिलहाल शीतल जी हमारे साथ थे है, जिन्होंने हैंड रेस करे तो मैं इन्हें अनम्यूट कर रही हूँ नमस्ते मैम नमस्कार मेरे ये पूछना है कि मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले ही आपका ज्वाइन किया है तो आपने जैसे जैसे जो टी का बताया है ब्लैक टी है या फिर हर्बल टी है ये हम लोग जैसे पॉजिटिव नहीं हो फिर भी हम लोग ये रेगुलर ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स सी मैं पहले ही बोली कि जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव हो ही पहले से शुरुआत कर दीजिए ना दूध का क्यों जरूरत है हमें एक दिन हम दूध पे भी लेक्चर रखेंगे कि क्यों दूध जरूरी नहीं है शरीर के लिए बहुत से हमारे पास ऑप्शन है कि वो आप बना सकते हो लोगों को है दूध ही प्रोटीन है दूध ही कैल्शियम है नहीं बना के आप अगर ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो दूध से भी पावरफुल आपका बन जाएगा अगर आप कोकोनट वाटर कोकोनट का बनाते हो मिल्क आलमंड मिल्क प्लांट बेस पे चले जाइए तो ये आप कभी भी ले सकते हो जैसे ब्लैक टी बनाओ तो उसके अंदर आप ऐसे हर्ब्स डाल दीजिए और एक मस्त फ्रेग्रेंस आता है राइट बहुत से एसेंशियल ऑयल हमारे पास है बहुत से अरोमास हमारे पास है बहुत से ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है। उसको मिला के बनाइए जैसे अभी अर्जुन की छाल उसका पी के देखिए बहुत बढ़िया है फिर आता है अश्वगंधा की पी के देखिए बहुत बढ़िया है अगर पोमोग्रेनेट की छालों को मत फेंकिए ऑरेंज के पिल के पाइन एपल के पिल उसका टी बनाइए और देखिए क्या जबरदस्त ताकत है उसके अंदर राइट तो आप कभी भी पी सकते हो डोंट अबाउट इट शशि जी हमारे साथ हैं, जो कि अभी कोविड पॉजिटिव हैं और वो उनका सवाल है कि ड्राई कफ के लिए वो क्या करें? ओके okay, अब देखिए मैंने पहले ही बताया कि आपका कितना दिन है कैसे आया बैकग्राउंड क्या था हमें नहीं पता बट ड्राई कब कब होता है इन शॉर्ट में आपके अंदर क्या है चिकनाहट कम हो गई है तो आपको पहले तो ध्यान रखना है एक तो स्टीमिंग आपको करनी है गरारे आपको करनी है और आप जो अन्न खाते हो उसमें है ना घी थोड़ा सा इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और जो मैंने आपको चाटन बोला इसके अंदर ध्यान रखना जिंजर का प्रमाण आप कम कर देना है जिंजर और ड्राई करता है तो अगर आपका ऑलरेडी ड्राई हो रहा है तो जिंजर मत डालिए इंस्टेड ऑफ जिंजर आप क्या करें पेपर है यष्टी मदी पाउडर आप स्टार्ट करें एक है यष्टी मदी और एक है चितोफलादी ये दो पाउडर मार्केट्स में आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएंगे उसका चाटन बनाइए और उसको आप इंटेक करना शुरू कर दीजिए और जो आप पानी ले रहे हो ना जो पानी बनाया आपने जो पी रहे हो दिन भर में उसमें आइदर आप नॉर्मल पानी मत पीजिए उसमें आइदर क्लव का, का पानी पीजिए या अजवाइन का पानी पीजिए या डिल सीड का पानी पीजिए क्या करना है एक बॉटल एक लीटर के लेना है उसको वार्म करना है उसके अंदर एक ही क्लव पूरे दिन के लिए एक लीटर के लिए एक क्लव फिर आपने डिल डाला वो भी थोड़े से वैसे आप करके अजवाइन डाली थोड़े से तो ऐसा आप पानी सिप सिप करके पीना शुरू कर दीजिए और जिंजर का प्रमाण नहीं बाकी सब कुछ और बहुत फिर भी लगे तो पानी में नॉर्मल पानी जो है लिया थोड़ा सा लुक वॉर्म किया इसके अंदर हनी डाल दीजिए मस्त हनी डाल दीजिए हनी क्या करेगा आपको सूदिंग देगा ठीक है तो हनी वाला पानी पीना बहुत ही लगे तो हनी वाला और दूसरा यस्टी मदी की स्टिक्स आती है हा उसे जेठी मद की लकड़ी इतनी बड़ी आती है वो काट के मुंह में रखिए चबाइए वो भी बहुत हेल्प करेगा आपको म्यूकस को रिलीफ करेगा आपको और आपको खुद को निकले और स्टीम और गरारा हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट करना है अगर मान लो आपको लग रहा है बहुत कॉफी तो आप फटकरी का गरारा कीजिए फटकरी आती है उसको पानी लीजिए थोड़ा सा वॉर्म कीजिए फटकरी के दो घुल बनाइए और उसका गरारा कीजिए राइट तो और खाने में ध्यान लगाइए नो स्वीट नो मिल्क नो आटा सिर्फ आपका सलाद एंड सूप एंड फूड जाएगा ठीक है इतना आप पहले समय की थोड़ी कमी है तो हम सिर्फ एक क्वेश्चन और लेंगे क्योंकि वो जरूरी भी लग रहा है क्योंकि तेरह साल के बच्चे मितानी जी का कहना है कि उनके तेरह साल के बच्चे को पंद्रह बीस दिन से कफ है तो वो क्या करे तो छोटी सी ब्रीफ आप मुझे बता इनको बताएंगे अच्छा तेरह साल की बेटी है आपकी या बेटा ठीक है तो उसको कफ बहुत हो रहा है अब ये कफ कैसा हो रहा है ड्राई हो रहा है बैट हो रहा है उसको नेजल में से निकल रहा है म्यूकस निकल रहा है तो वो हमें चेक करना है अब देखिए जब भी आप करते हो तो तेरह साल की है तो उसको क्या है स्पीट आउट वो नहीं करती होगी तो आदत रखिए उसको स्पीट आउट करेंगे एक तो है थोड़ा सा वार्म वाटर जैसे मैंने बना क्लाउड डाल के उसको वार्म वाटर दीजिए अजवाइन आप जो काढ़ा बनाते हो उसके अंदर अड़ूसी अड़ूसी के पान लेने हैं आपको ध्यान अड़ूसी के पान फिर आपको लेना है तुलसी के पान फिर लेना है आपको फुदीने के पान लेने हैं और निर्गुंडी के पान लेने हैं गिलोय के पान लेने हैं ये पान को मिक्स कर लीजिए और फिर उसको वो काढ़ा और ध्यान रखिए हनी का उसका इस्तेमाल कीजिए उसके अंदर राइट और सूप उसको देना शुरू कर दीजिए उसके अंदर इन्फ्लामेशन क्या होगा तो पाइनेपल का जूस देना शुरू लेकिन ध्यान रखता पाइनेपल खट्टा नहीं होना चाहिए राइट लेते समय बोलना मीठा पाइनेपल दे खट्टा ना दे तो इस तरह से आप उसको है ना आप दोगे तो हो जाए वो चार्टन जो मैंने आपको बताया वो उसको देना शुरू कर दीजिए हनी के अंदर आपको क्या डाल देना है जिंजर के एक दो ही ड्रॉप्स डालने हैं तो वो आप देना शुरू कर दीजिए तो ये जो मैंने आपको बताया वो आप शुरू कर दीजिए गरारा और उसको एक आदत डालिए जैसे ही बलगम आती है लोग क्या करते अंदर डाल देते तो गंदगी को अंदर ना के के डाल भले छोटा सा है स्पीड आउट करने की आदत डाल दीजिए क्योंकि ये सब वो पिएगे ना चाटन दोगे ये करोगे तो उसमें बलगम बहुत आने लगेगा तो वो आप क्या कर खटाक से निकालने के आदर, की आदत शर्म मत कीजिए कंध के अंदर क्यों डालने की राइट तो वो करना शुरू कर दीजिए नाम थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए क्योंकि कोविड का दौर है और हर किसी को इससे अभी बचना बहुत जरूरी है आपकी डायबिटीज yes. लोगों को लिए वरदान साबित हो सकती है yes. तो एक दर्शक ने हमारे इसी सेशन में बोला है कि आपकी वीडियो बहुत बहुत यूजफुल है सबके okay. लिए थैंक यू और सब आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया भी कर रहे हैं थैंक यू हमारी कोशिश वही है पीएमसी हिंदी चैनल की कोशिश वही है कि स्वस्थ बने निरोगी बने और हमेशा हंसते मुस्कुराते कि देखो बहुत सी बीमारियां ये एक बोलते हैं ना कि कोई ना कोई रूप धारण करके आती तो सभी को रूप को धारण करके आती है ना उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कंप्लेन्स मत कीजिए कि मुझे ऐसा क्यों हुआ सबको हंस के अप्लाई कीजिए और जो आ रहा है ना उसको निकालने की कोशिश कीजिए कि मैंने कुछ ऐसा हुआ इसीलिए मेरे पास ये आ रहा है उसको समझिए और अन्न की तरफ और नेचर की तरफ जाइए तो जितना आप नेचुरल थिंग्स करोगे तो वो आपको शुरुआत में ही उसको स्टॉप कर दीजिए सिग्नल मिलता है तभी उसको ब्रेक कर दे कि मेरे अंदर मत जाओ सिक्योरिटी आपके जो वॉचमैन है उसको आई एम ऑलवेज टेलिंग इन माई मेडिटेशन दिस इज योर वॉचमैन तो वॉचमैन एज अ सिक्योरिटी गार्ड एज वॉचमैन अलर्ट कर दीजिए कैसे सांसों सांसों के द्वारा तो तो जब आप सांसों पे कंट्रोल करते हो तो आपका गार्ड बहुत ही चौकन्ना हो जाता है कि नहीं ये नहीं चीज होनी चाहिए तो बस आपको वही रहना है और हमारा उद्देश्य है निरोगी स्वस्थ रहने का उद्देश्य थ्रू द नेचर ध्यान लगाइए एलोपैथी के द्वारा नहीं होना है तकलीफ हुई तो है बाकी हमारे अंदर ही सारे डॉक्टर बैठे हुए वो को आप और अपना इलाज खुद कीजिए जैसे जैसे आप खुद का इलाज करोगे ना आपको खुद को पता चल, जैसे आपने ग्रीन जूस डाला जैसे आपने कच्चा हार डाला जैसे आपने काढ़ा लेना शुरू कर दिया ऑटोमेटिक आपको रिफ्लेक्ट करेगा बाहर निकालेगा वो चीज राइट तो हमें डरना नहीं है कि अब ये कितने दिन लेना है नहीं दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ बना दीजिए कि काड़े को पार्ट ऑफ लाइफ बना एक एक वक्त नहीं ले सकते हो आप ले सकते हो क्या एक वक्त कच्चा आहार नहीं ले सकते हो ले सकते हो तो आप ऐसी आदतें डालिए तो आदत जैसे जैसे डालेगी ना वो आपकी हैबिट है ना अच्छी होने लगेगी फिर आपके शरीर में कैसा भी शत्रु आए मैं तो बोलती हूँ कैसा भी आ, आएगा लेकिन वो क्या करेगा डर के बारे भाग जाएगा ठीक है लेकिन आपको नहीं डरना है आपको स्ट्रांग रहना है माइंड से स्ट्रांग रहना है इसलिए ध्यान करना है अंतर से मैंने बोला ना योगे ना तो शरीर को कैसे रखना है ऊर्जा कैसे बढ़ाओगे आप थ्रू द फूड तो कैसा चाहिए हीलिंग वाला हमें अन्न खाना है हमारा जो डाइट है वो हीलिंग वाला होना चाहिए जो भी दिया हुआ है इसको नमन और अच्छा ही हो रहा है सबके लिए अच्छा हो रहा है हा? और वसुंधरा को मत भूलिए धरती माँ को मत भूलिए और बस यही मैं विश करूंगी कि हम हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे हेल्दी तभी रहेंगे जब अंदर की सोल हमारे अंदर बैठा हुआ जो ईश्वर है हमारी जो टेंपल रूपी हमारे ये जो शरीर है मंदिर रूपी शरीर है उसके अंदर जो बैठा हुआ है ना उसको हमेशा मुस्कुराए मत जेलस है क्रोध मत कीजिए क्योंकि वो सारा इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे तो छोटी छोटी बातों में हम जो चिंता तनाव अब क्या होगा कुछ नहीं होगा एंजॉय योर फेस्टिव सीजन कल है मकर संक्रांत क्यों मकर संक्रांत नई की है जिंदगी वेलकम कीजिए महाराष्ट्र में बोलते हैं तिलगुल गया गोड़, गोड़ बोला स्वीट बोलो हमेशा लेकिन कैसा हा? कि ये जो फसल हुई है नहीं उसको अपने जिंदगी में ले ये जो नया दौर है उसको अपनी जिंदगी में ले लीजिए और आगे बढ़ने की शुरुआत कीजिए चलिए फिर अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक पे नारी नेचर सीरीज में तब तक के लिए नमस्कार